पीछे पीछे चल रहा था, मैं चप्पल तोड़ दी इसके लिए। मठरी हो तो सुना भाई की हो, देख रहे हो आप। फाइनली हमारे डील हो चुके कंप्लीट, काफी दिन से हम लग रहे थे अंदर तो सारा आज जाके पूरा हुआ है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द नंदर व्लॉग। तो भाई आज सुबह सुबह जल्दी उठ चुका हूँ मैं, आज 5 बजे उठ गया, फिर फोन ऑन चार्ज लगाया और ये देखो फोन बंद था, पिंटू पड़ोसी। तो भाई अभी हम इंतजार कर रहे हैं राजेश भैया और मिथिलेश का, फिर हम आज जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सामोत बालाजी। तो आज भाई हनुमान जयंती है, सभी को हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। और अभी हम जाएंगे वीर हनुमान जी मंदिर सामोद, जानेंगे वहाँ के इतिहास के बारे में और वहाँ चल के मिलते हैं आपसे, वो आ जाएं एक बार। तो भाई अभी हम पहुँच चुके हैं और हाईवे किनारे रुक गए हूँ, यहाँ पर कट है जो वीर हनुमान जी, अभी मिथिलेश और राजेश भैया आए नहीं हैं, उनका इंतजार कर रहे हैं हम। ये अपनी राम प्यारी, वो भी आ जाते हैं, उनके लिए रुकते हैं। और ये देखो भाई मिथिलेश, ये लेट इसने करवाया है सबसे ज्यादा, शक्ल देख ले इसकी, उठ जाओ तो। और ये देखो आप सरप्राइज मौसम देखो कितना खतरनाक, ये अपना कट पुलिया के नीचे से अभी चलते हैं, नजारा देख लो भाई नजारा। चलो ठीक है भाई, जल्दी पहुंचते हैं और मिलते हैं वापस। 10 बिजनेसमैन बिजनेस। चलो चलते हैं भाई, चला फटाफट। पार्किंग पार्किंग 10 रुपये पार्किंग। तो भाई पहुंच गए हैं यहाँ पर, बिजनेसमैन कर लो मिथिलेश और पिंटू गए पार्किंग में गाड़ी लगाने के लिए। और अभी दो रास्ते, एक तो वो सिटियाँ देखते हैं अपन कौन से रास्ते चलेंगे, देखते। तो भाई देखते हैं अभी कौन से रास्ते चलते हैं, उनको आदान देते हैं। देख रहे हो दिक्कत हो गई। और ये कसोना सुबह लेट कर दिया और अम्मी चप्पल और तोड़ दिया, बताओ। थोड़ी देर तू भी बैठ जा। जिंदगी में कुछ भी कर लेना, ऐसा ऐसा दोस्त मत बना, नहीं शक्ल दिखाई देता, देख पीछे पीछे चल रहा था, मैं चप्पल तोड़ दी इसके लिए, जुगाड़ कर लिया मैंने इसका। और अभी हम जा रहे हैं गाइस, चप्पल दे चल आगे चल, तो पीछे मैं चल रहे हैं, फिर चप्पल तोड़ रहा हूँ भैया का टैलेंट। तो भाई हम सीढ़ियों वाला रास्ता ना चूज करके हमने ये चूज किया और अब इस पर चल रहे हैं, इस पर वे चालू कर ही नहीं है वैसे, फिर सामान वामान ले जाने के लिए कर रखी होगी। मतलब इस रोपवे बंद क्यों कर दिए बता, रोपवे बंद क्यों कर दी? देख लो
हवा चली एक नंबर। तो भाई हमने ले ली प्रसाद और राजेश भैया मेरे बोले तीन जगह प्रसाद क्यों लिए है 100-100 रुपए के है ना। अभी मैं बताता हूँ इनको मैंने क्यों लिया। हाँ भाई प्रसाद 200 रुपए। देखो भाई फिर भी इतना वो टूटने के बाद भी अंदर अभी बामन जूते चुरने के डर से देख कहाँ से जूते उठा के पहन के आए कहाँ से पहन के आए होता ये राजेश भैया के घर के बाहर ही रखे हुए थे। आपने वो फेंके थे उधर धूप में वही ये छुपा के रख रखे थे मैंने देख लिया उधर छुपा के। अच्छा मेरे लिए देख रहे जेड सिक्योरिटी जूतों की जेड सिक्योरिटी। सॉरी अब नहीं आ रहा। ये घूम के इधर से मंदिर के अंदर जाने का रास्ता एक मोर भाई देखो ये देखो ट्रॉली दो भागों में बांट ली ट्रॉली को दो भाई बंटवारे में आई आती ट्रॉली दो भाई भाई मंदिर के दर्शन कर लिए। बहाने भाई बहाने देखो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। और भाई हम वहाँ सीढ़ियाँ गिन रहे हैं 71, 72, 73, 74 क्योंकि यहाँ का बताते हैं कि यहाँ की सीढ़ियाँ आज तक कोई गिन नहीं पाया 75, 76, 77। ये चैलेंज भी हम जल्दी एक्सेप्ट करेंगे और मिलते हैं अभी वापस आपको नीचे चल के। ये रोप वे है भाई जो अभी ये तो रोप वे नहीं है सॉरी ये ऊपर सामान वामान ले जाने लाने के लिए वो करा गया है ऊपर नीचे से ऊपर मंदिर में सामान ले जाने के लिए है वो पे उस साइड है आपको दिखा दूँ जो फिलहाल की बंद है अभी बंद कर रखा जिला कलेक्टर ने देखा अभी ये कब तक चालू होता है। तो भाई अभी मंदिर के अंदर ऊपर जाके आ गए दर्शन करके आ गए और हमने प्रयास किया था सीढ़ियाँ गिनने का तो 900 कितनी निकली 940 सीढ़ियाँ निकली हैं। प्रसादी ग्रहण करते हैं चलो भक्तों प्रसादी ग्रहण करते हैं बामन लिया चलो ठीक है भाई मिलते हैं वापस घर जाके। ओहो बाबा ने तो द्वार ही बंद कर दिया कि लेके यहाँ जानी पड़ेगी क्या तो भाई आ गए पार्किंग से स्कूटी लेके आ गए मिथिलेश पिंटू और मैं तो चप्पल गायब हो गई देखो गायब क्या हो गई वो टूट गई थी तो फिर परेशान ही हो रहा था मैं खुद ही छोड़ के आ गया। तो अभी यहाँ से चलते अपन चले मिथिलेश अब चाय पियेंगे थोड़ी आगे चल के चलो मिलते हैं आपको भाई लोगों। तो भाई अभी हम आ गए चाय पीने मिथिलेश भाई इतनी लंबी मटरी है इसको ऐसे घुमा दे पिंटू भी खा लेगा इधर से इससे गाइस पतंग भी लूट सकते हैं पतंग है ना और जाले भी साफ कर सकते हैं हाँ
और ये ज्यादा करें तो इसके कान के इतना काम आती है। भाई चाय बना रहा है गाइस, मेहनत का फल बटरी होती है। ऊपर वाला जब भी देता है अखबार में लपेट के देता है, चाय देता है। भाई चाय ले बाकी भी होते बटरी हो तो सूंडा भाई की हो, सूंडा भाई की मटरी का अलग ही स्वाद है। तो भाई ये देख रहे हो आप, फाइनली हमारे डील हो चुकी है कंप्लीट। काफी दिन से हम लग रहे थे काम के अंदर, तो सारा आज जाके पूरा हुआ है। ये देखो भाई, ये प्रिंट का काम करवा रहे हैं भाई हम डब्बे पे, एक डब्बा ये रहा और एक डब्बा ये। ये चीज आपको पता ही नहीं, पहले पूरा काम हो जाएगा उसके बाद आपको मिल जाएगा वीडियो के साथ। हां बिल्कुल भाई, ये नई ब्रांडिंग वो हो रही है, नया ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं हम। एक जगह गए हम डब्बे बनाने, वो बोलते हैं साढ़ा पहले तो आप क्या बोला पंडित भैया, डाई बनवाओ, डाई पहले डाई बनवाओ 35,000 रुपए की, तो डाई बनाने बताया वो। डाई के चक्कर में हम डाई हो जाएंगे यार। सीधा 50,000 रुपए का काम बता दिया उसने, 50,000 रुपए हमारे पास होते तो यार हम तेरे पास थोड़ी आते, तेरे पास मोटा पैसा, तेरे पास थोड़ी आ गया वीडियो में क्या। चलो भाई अब मम्मी का फोन वोन आ गया है, अब जाता हूँ मम्मी को, मम्मी बोलियो टाइम से जाके ताकि टाइम पे रोटी मिल जाए। और हाँ चैनल पे सब्सक्राइब तो आप सारे कर रहे हो, व्यूज नहीं आ रहे, व्यू बढ़ाओ चैनल को, वीडियो को वायरल करो जगह जगह अपने फ्रेंड्स वगैरह में सबको भेजो। देखेंगे नहीं तो कहाँ जाएंगे। ये बात भी सही है, आड़ा देखते नहीं लोग इनको। चलो ठीक है भाई, चलता हूँ घर पे, पहुँचता हूँ मम्मी के साथ, मिलते हैं। तो भाई अब सो गए हम तो, और ये देखो इधर बीमार परेशान मार, क्यों गो बीमार हो गए, बुखार चढ़ गई, जुखाम हो गई, बुखार जुखाम हो गई। तो भाई देखो मम्मी हो गई आज बीमार, तो दवाई ववाई देंगे और क्या। तो भाई आप भी अपना ध्यान रखो, बीमार बीमार होने से बचो, ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब।